हेलो फूडीज, भारतीय फूडी मील्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मिट्टी इमली की चटनी। इमली की चटनी जो समोसे के साथ खाई जाती है, और हलवा स्टाइल हम लोग चटनी बनाएंगे। तो देखते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है, 1 चम्मच काला नमक है, आधा कटोरी यहाँ पर इमली ली है मैंने, 1 कटोरी शक्कर ली है, रेड फूड कलर है, और 1 चम्मच यहाँ पर कुटी लाल मिर्च है। इमली को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगा लिया था, हल्के गुनगुने पानी में। ये हल्के गुनगुने पानी की वजह से थोड़ी जल्दी भीग जाती है। अब इसे हमें मसल लेना है अच्छे से, और फिर स्ट्रेनर से छान लेना है। स्ट्रेनर ले लिया है, आप देख सकते हैं एक बाउल में मैंने रख लिया है। ये इमली का पल्प हम पूरा उसमें छान लेंगे अच्छे से। इसे मसल मसल कर छान लीजिए। गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब हम पॉट में इमली का पल्प डाल देंगे। उसी पानी में हम शक्कर डाल देंगे और आधा ग्लास पानी और डालेंगे। इमली के पल्प को अच्छे से उबलने देंगे। पानी उबलने लगा है, काला नमक ऐड कर देंगे उसमें, और कुटी हुई लाल मिर्च। आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप उसमें रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से उबलने दीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। रेड फूड कलर लिया है मैंने, ऑरेंज और रेड फूड कलर भी ले सकते हैं आप, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दीजिए। अब हमको चटनी में कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, उसके वजह से ये चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करूंगी और हम उसमें ऐड कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमको। हो गया है ये मिक्स। धीरे धीरे करके मैं सारा कॉर्नफ्लावर इसमें डाल दूंगी और हम इसे उबलने देंगे जब तक कि ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। देखिए ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है, थोड़ा और इसे उबालना है, फिर हम गैस बंद कर देंगे। इस चटनी को उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखिए ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है, और ठंडी होने पे और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अब हम गैस बंद कर लेंगे और सर्व करेंगे। तैयार है हमारी हलवाई स्टाइल खट्टी मीठी इमली की चटनी। आप भी खाइए, औरों को भी खिलाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।